कोई व्यक्ति धारा की दिशा में निश्चित दूरी 6 घंटे में तैर कर पार करता। कोई दूरी है जिसको पार तैर कर 6 घंटे में पार कर लेता है और 9 घंटे में वापस आता है। यानी कि वो जब जाता है तो उसको समय लगता है 6 घंटे का, और जब वो इसी दूरी से वापस आता है तो उसको समय लगता है 9 घंटे का। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अगर ये धारा की जो चाल है, ये जो धारा है, जो जल जो है, इसका बहाव जो है, अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो बताना कि व्यक्ति जो तैर कर जा रहा है उसकी चाल क्या होगी। तो इसके लिए देखिए क्या है कि हमेशा इस टाइप के उसमें सवाल में आप क्या कीजिए कि व्यक्ति की चाल के बटे में धारा चाल बराबर है दोनों समय का योग के बटे में दोनों समय का अंतर। याद रखिए जहां इस तरह का जितने भी सवाल होंगे वहां पर व्यक्ति की जो चाल होगी उसके बटे में धारा की चाल, और यहाँ बराबर है दोनों समय का योग और बटे में दोनों समय का अंतर। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति की चाल जो दी गई है निकालनी है शांत जल में, लेकिन धारा की चाल दी गई है, तो व्यक्ति की चाल बटे में धारा चाल जो है 3 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और दोनों समय का योग समय कितना दिया है 6 घंटे और 9 घंटे, और इनका नीचे बटे में दोनों समय का अंतर। तो देखिए 9 और 6 15 और बटे में 3। यहाँ जो ये 3 जो इधर डिवाइड में है भाग में है वो इधर जाएगा और मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3 से 3 कट गया तो व्यक्ति की चाल बराबर कितना गया 15 किलोमीटर पर आवर। और यही हमको ज्ञात करना था कि शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे तथा धारा के विपरीत जाने में 9 घंटे का समय लेते हैं, तो धारा की क्या चाल होगी वो ज्ञात करनी है। देखिए नाव नाविक की चाल दी गई है, हमको निकालनी है धारा की चाल, तो इसके बटे में धारा की चाल बराबर है दोनों समय दिए गए हैं, अनुकूल भी और विपरीत में जितना समय लगा है वो समय भी दिया गया है, तो उनको इधर कर लेंगे दोनों समय का योग और उसके अपॉन में बटे में दोनों समय का अंतर। अब देखिए नाभिक की चाल जो दी गई है, इधर हमें दिया गया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, उसके बटे में धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ पर दोनों समय का योग एक दिया है 3 घंटे और एक दिया 9 घंटे, तो 9 और 3 योग कर दिया तो उसका योग 12 आ गया, और उनका अंतर बताना है, तो दोनों समय का अंतर जो है 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 6 से ये डिवाइड किया या इसको काट दिया तो 2 पे गया और ये इधर 2 आ गया, इसको इधर लेके आएंगे तो ये 8 के डिवाइड में 2 आ गया, और उधर धारा की चाल निकालेंगे तो इसको इससे काट दिया तो 2 चौका तो आंसर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल। और यही जो आया है ये हमारा आंसर भी है। याद रखिए नाविक की चाल हो, तैराक की चाल हो या नाव की चाल हो, वो एक ही बात होती है, उसके बटे में धारा की चाल बराबर है दोनों समय का योग और उन दोनों समय का अंतर। यहाँ पर नाविक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, धारा की चाल ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये निकालना है, दोनों समय का योग 9 और 3
12 हो गया और अंतर 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया तो 6 अंतर आ गया, इनको डिवाइड कर दिया 2 आ गया, 2 इधर आके डिवाइड में चला गया तो धारा की चाल जो है कटने के बाद आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमको ज्ञात करना था कि धारा की चाल क्या है। तो ये यहाँ आंसर है इसका। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तैरकर पार कर सकता है। यदि शांत जल में व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 घंटे में वह धारा की दिशा में कितनी दूर तक जाएगा या कितनी दूर तक तैरेगा। तो वो जो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो ज्ञात करनी है। अब देखिए, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो चाल जो होती है वो हमें पता है कि दूरी के बटे समय होती है। यहाँ पर दूरी जो दी गई है वो 36 किलोमीटर दी गई है और कितने घंटे में तय करता है वो 6 आवर्स में। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल निकल के आई है। अभी देखिए ये व्यक्ति की विपरीत दिशा में कितनी चाल बन गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो शांत जल के अंदर 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी चाल है, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इधर आई है तो इसको इससे माइनस किया तो कितनी रह गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पता है कि ये जो 2 किलोमीटर की जो शांत जल में जो व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस में ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है इनको ऐड कर देंगे तो कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। अब देखिए धारा की दिशा में कितनी दूर तक तैरेगा 10 घंटे में। अगर उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और वो 10 घंटे तक तैरेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 10 दाए 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 10 घंटे में। तो यही इसका आंसर है कि धारा की दिशा में कितनी दूर तक तैरेगा, 100 किलोमीटर की दूरी तक तैरेगा। और यही इसका